नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद आर्य आज आप लोगों के समक्ष स्वर्ग नरक कौन भोगता है इसका उत्तर लेकर आया हूँ। हिंदू धर्म के शास्त्रों में उपयुक्त तीन प्रकार की अवस्थाओं का खुलकर विवेचन हुआ है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं जिन्हें मनुष्य अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। इसी कारण भयभीत व्यक्ति अधिक दान पुण्य करने की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराय स्त्री और पराय धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुँचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन पुत्री पुत्र स्त्री पुत्र वधु आदि के निर्दोष होने पर भी उसका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है। उसे अनेकानेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीते जी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं, उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेत कल्प के अतिरिक्त इस पुराण में आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्म कांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यवर्ती व्यक्ति को बिना कर्म कांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई। धन्यवाद।